नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान ने एक बड़ा नया इतिहास रच दिया है। देश में 100 करोड़ के पार वैक्सीनेशन हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक नया रिकॉर्ड, नया इतिहास भारत ने रचा है। ये इतना आंकड़ा है जितना दुनिया के 30 देश अपनी जनता को इतना वैक्सीनेशन दे पाए हैं जितना सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान ने दे दिया है। 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन देकर हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर। ये बड़ा खबर, इस बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। शुरुआत में जिस तरीके से कोरोना पैंडेमिक को देखते हुए तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन देखते ही देखते किस तरीके से 100 करोड़ से ज्यादा का वैक्सीनेशन इस वक्त हो चुका है। जब हम ये खबर आपको बता रहे हैं, अब तक ये आंकड़ा पार कर चुका है हिंदुस्तान। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, देश में बड़े जश्न की तैयारी है। प्रधानमंत्री RML अस्पताल पहुंच चुके हैं, जहां पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, वो आंकड़ा है जो वाकई एक नया इतिहास रचते हुए हिंदुस्तान को दिखा रहा है। देश भर में वैक्सीनेशन कितना हुआ है समझ लीजिए, 18 साल से ज्यादा और 18 साल से कम के जो आंकड़े हैं वो समझिए, 75% वो लोग हैं जो 18 साल से ज्यादा के हैं, 18 साल तक के जो है 75% लोगों को जो है सिंगल डोज लगी हुई है। 31% ऐसे लोग हैं जिनको डबल डोज लग चुकी है। यानी कि ये वो आंकड़ा है जो इस वक्त आपके सामने, आप समझिए 75% लोगों को सिंगल डोज यानी पहली डोज वैक्सीनेशन की हो चुकी है और 31% वो लोग हैं जो पूरी तरीके से फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। आज जो वैक्सीनेशन हुआ है उसके आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र में 9,32,000 के आसपास हुआ है, 9,32,00,000 के आसपास हुआ है। और पश्चिम बंगाल में आप देखिए, ये गुजरात के आंकड़े इस वक्त आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश की हम बात करें तो ये भी आंकड़े आपके सामने हैं, 6 करोड़ से ज्यादा भी यहां पर वैक्सीनेशन आज की डेट में हुआ है। और इसके अलावा अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें तो वहां पर भी बहुत ज्यादा तादाद में आज वैक्सीनेशन सुबह से किया गया है। और जो हम आपको वेबसाइट के जरिए समझा रहे थे कि देखिए मिनटों में क्या, सेकंडों में जिस तरीके से वो आंकड़े जो बढ़ रहे थे वो आपके सामने थे, कितनी तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा था। 100 करोड़ का आंकड़ा आज हिंदुस्तान ने पार कर लिया है। और ये देखिए, हम जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं, जिस वक्त सब डरे हुए थे, सहमे हुए थे, उस वक्त भी अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान को बचा रहे थे। ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं जिनमें आज खुशी की लहर है। आप देख सकते हैं इतने बड़े पैमाने पर देश में जब वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ है तो एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी मनाई जा रही है, खुशी का इजहार किया जा रहा है। अस्पताल में फ्रंटलाइन वर्कर्स की खुशी इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर है वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने एक अपना नया रिकॉर्ड बना दिया है, बड़ा इतिहास रच दिया है, और जिसकी खुशी हर कोई अपने अपने तरीके से मना रहा है। आप देखिए, ये जो आप पहली तस्वीर जो देख रहे हैं वही है, 000 आपको इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि 100 करोड़ का जो आंकड़ा था वो पूरी तरीके से पूरा कर लिया गया है। बड़ी अपडेट ये भी है कि RML अस्पताल में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। अस्पताल में फ्रंटलाइन वर्कर से भी वो मुलाकात करेंगे, उनको सम्मान देंगे, उनको बधाई देंगे। तो जाहिर है कि आज का दिन हिंदुस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा इस मौके पर, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे व्यवस्थित और सबसे अच्छा वैक्सीनेशन का ये कैंपेन आज 100 करोड़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। मैं इसके लिए उन सभी लोगों को, जिन लोगों ने सबको वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन लेकर के प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के साथ जुड़ करके कोरोना मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दिया है, उन सबको इस अवसर पर बधाई देता हूं। तो भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का बेमिसाल कामयाबी हासिल करके लक्ष्य प्राप्त किया है। और इस मौके पर न्यूज नेशन से नीति आयोग की मेंबर हेल्थ VK पॉल ने खास बातचीत की है। इस उपलब्धि पर अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है, क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। 100 करोड़ वैक्सीन की उपलब्धि देश के लिए
बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये हम सबको गौरवान्वित करती है। 100 करोड़ के लक्ष्य को पार करना हमारे देश में पेंडेमिक की लड़ाई में एक बहुत जबरदस्त एक मुकाम है। हम अपने आप को सुरक्षा चक्र के भीतर इसे पा रहे हैं अपने आप को, और ये बहुत बहुत लोगों की मेहनत का नतीजा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप, उनके विजन, उनकी गाइडेंस पे ये काम हुआ है। हम सबको आज उस काम के लिए अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करना चाहिए और आगे के चैलेंजेस को फेस करने के लिए और संकल्प लेने हैं कि ये काम, पेंडेमिक को हराने का काम पूरी तरह से कार्य जल्दी से जल्दी हम कर। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, आरएमएल अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए, यहां पर जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनका भी सम्मान देंगे, उनका भी धन्यवाद अदा करेंगे। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। आज एक बड़ा आंकड़ा छू लिया है वैक्सीनेशन के मामले में, एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है हिंदुस्तान ने। कोरोना को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है, हालांकि अभी भी जागरूक किया जा रहा है लोगों को, चूंकि वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके आपको सारे एहतियात बरतने हैं। खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है, लेकिन कोरोना से जंग में भारत ने एक नया इतिहास रच दिया है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब से थोड़ी देर पहले 100 करोड़ के पार पहुंच चुका है, और अब ये आंकड़ा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और इस बीच इस मौके पर भूपेंद्र यादव का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। जो सरकार के द्वारा टीकाकरण अभियान चलाया गया था, उसमें 100 करोड़ लोगों के टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल किया गया है। ये लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पूरे देश की जनता ने अदम्य दृढ़ शक्ति के साथ लड़ाई लड़ी, उसमें एक बड़े मुकाम को प्राप्त करने के लिए हासिल किया गया है। कोविड की इस महामारी के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश के अनुसंधानकर्ताओं ने काफ़ी रिसर्च करके इस वैक्सीनेशन को तैयार किया। देश में हमारे जो कोरोना के वॉरियर्स हैं, विशेष रूप से हमारे हेल्थलाइन वर्कर, उन्होंने न केवल संकट की उस घड़ी में अपने कर्तव्य को पूरा किया, आज इस टीकाकरण के लक्ष्य में भी अपना अभूतपूर्व सहयोग देते हुए इसको पूरा करने के लिए एक अच्छा कार्य किया है। हमारे देश के चिकित्सा मंत्रालय, हम उनके सारे कर्मचारी, देश के सारे प्रशासनिक अधिकारी, और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश की जनता ने एकजुट होकर के कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ा है। महामारी के इस दौर में लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे जिस प्रकार से अनुशासन रखते हुए इनके कोरोना के सारे नियमों का पालन किया, कुछ समय के लिए अपने आप को लॉकडाउन भी किया, मास्क का भी प्रयोग किया, और सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नॉर्म्स को करते हुए अपनी इच्छा शक्ति, अपनी आत्मशक्ति, अपने संबल और विश्वास को बनाए रखा, उसी का परिणाम है कि आज देश ने एक सामूहिक इच्छा शक्ति के माध्यम से 100 करोड़ लोगों के टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे भी इसी तरीके से आत्मनिर्भर भारत के मार्ग पे सभी भारतवासी चलते रहेंगे, ऐसी कामनाएं करते हुए हम सब भविष्य में भी कोविड जैसे आने वाली महामारी के प्रति सजग रहते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देवें, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें, और विशेष रूप से भारतीय जीवन शैली के आधार पर एक अच्छे विश्व बनाने की तरफ भारत के योगदान के लिए अपने आप को प्रेरित करें, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ।